ये 135 करोड़ भारतवासियों को धमकी है, ये सिर्फ मोदी जी को धमकी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में भारत सरकार को, मोदी जी को धमकाया है और उन्होंने कहा है कि मैंने मोदी जी से बात की है और अगर वो नहीं मानते तो उन पे कार्रवाई होगी। अमेरिका हमारा दादा है, वो हमारे ऊपर कार्रवाई करेगा। और बजाय इसके कि आप उस धमकी का जवाब देते, मैं आज देख रहा हूँ विदेश मंत्रालय कह रहा है कि साहब हम दवा देने के लिए तैयार है अमेरिका को। मोदी जी को साफ शब्दों में कहना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी धमकी में आए नहीं आएंगे और किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं देंगे, भारत संकट में है। See whether or not that's his. I would be surprised if he would, you know, because India does very well with the United States. For many years they've been. So I would be surprised if that were his decision. He'd have to tell me that. I spoke to him Sunday morning, called him, and I said, we'd appreciate your allowance. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में भारत सरकार को, मोदी जी को धमकाया है और उन्होंने कहा है कि मैंने मोदी जी से बात की है और अगर वो नहीं मानते तो उन पे कार्रवाई होगी। अमेरिका हमारा दादा है, वो हमारे ऊपर कार्रवाई करेगा। ऐसे मुसीबत के समय में जब 135 करोड़ जनता इस देश की कोरोना संकट से जूझ रही है, लोगों की जान जा रही है, लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं, पूरा देश एक गंभीर संकट से जूझ रहा है, ऐसे समय में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप धमकी दे रहे हैं, दवा दो नहीं तो कार्रवाई होगी तुम्हारे ऊपर। और मैं तो सोच रहा था कि मोदी जी उसका जवाब देंगे कड़े शब्दों में, मैं तो सोच रहा था कि भारत की सरकार कड़े शब्दों में जवाब देगी और कहेगी कि हम आपकी धमकी में नहीं आने वाले, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता को धमकी है, ये 135 करोड़ भारतवासियों को धमकी है, ये सिर्फ मोदी जी को धमकी नहीं है। और बजाय इसके कि आप उस धमकी का जवाब देते, मैं आज देख रहा हूं विदेश मंत्रालय कह रहा है कि साहब हम दवा देने के लिए तैयार हैं अमेरिका को। ये क्या बात है? आपकी सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है। आप 19 मार्च तक, जब पूरा देश संकट से जूझ रहा है, 19 मार्च तक आप वेंटिलेटर सप्लाई कर रहे हो, मास्क सप्लाई कर रहे हो, विदेशों में भेज रहे हो, सैनिटाइजर भेज रहे हो। आप 31 मार्च तक सर्बिया को कई टन सर्जिकल आइटम और मास्क और वेंटिलेटर और तमाम चीजें भेज रहे हो, और आज अमेरिका ने आपको धमकी दे दिया तो आप कह रहे हो हम दवाएं भी भेज देंगे। आप हिंदुस्तान की जनता के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? मोदी जी को साफ शब्दों में कहना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी धमकी में आए नहीं आएंगे और किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं देंगे, भारत संकट में है। जिस तरह से इंटरनेशनल क्राइसिस से सब जगह ये मांग की जा रही है, तो अगर भारत इसमें, भाई आप बताइए, 135 करोड़ की आबादी वाला देश है भारत, और इस देश में हजारों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव अब तक आ चुके हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, दवाओं की हमें खुद से बहुत ज्यादा जरूरत है और आगे कितनी जरूरत पड़ेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। आप, पूरा देश लॉकडाउन है, कभी आप देश के लोगों की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हो। हमारे डॉक्टर्स पीपी की मांग कर रहे हैं, एम्स के डॉक्टर मांग कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री का मैंने बयान पढ़ा, दूसरे राज्य मांग कर रहे हैं कि भाई यहां पे जो हमारी जरूरतें हैं उसको पूरा करो। आप उसको पूरा करने के बाद आप कह रहे हो कि हम अमेरिका को दवा सप्लाई करेंगे, और वो दवा क्लोरोक्विन जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है कोरोना संकट से जूझने के लिए, जो दवा अब तक के शोध में, अब तक के रिसर्च में, अब तक के प्रयोग में पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्लोरोक्विन, और उस दवा को आप कह रहे हो कि हम अमेरिका को भेजेंगे। तो क्या भारत के पार्टी क्या मांग कर रही है? बहुत साफ शब्दों में, पहली बात तो अमेरिका के धमकी का मोदी जी जवाब दें और कड़े शब्दों में कहें कि हम कोई तुम्हारे गुलाम नहीं है और हम तुम्हारी धमकी में आने वाले नहीं हैं, और दूसरा, हम तुम्हारी धमकी में आके किसी प्रकार की कोई दवा सप्लाई करने वाले नहीं हैं। अरे भाई, हम तो जहाज में भी देखते हैं, कहा जाता है दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क लगा लें, तो आज तो हम खुद संकट से जूझ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि जो संकट से जूझने की सबसे महत्वपूर्ण दवा है वो पहले हमको दो नहीं तो कार्रवाई करेंगे। ये क्या बात है? अमेरिका हमारे ऊपर कार्रवाई करेगा और उसकी धमकी में आके भारत सरकार कहेगी हाँ हाँ ठीक है साहब, हम
आपके सामने घुटने टेकने के लिए तैयार है, हम दवा देने के लिए तैयार है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है जो आज विदेश मंत्रालय का आया। मैं तो अपेक्षा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि मोदी जी उनके इस धमकी का, ट्रंप की धमकी का जवाब देंगे, बजाय इसके ये कहा जा रहा है कि हम दवाओं की सप्लाई करेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।